इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहां रहने वाले 14 साल के बच्चे सहित एक अन्य युवक को क्षेत्र के लिस्टेड बदमाश ने चाकू मार दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले 14 वर्षीय नाबालिग बच्चे गोलू और 21 वर्षीय राकेश पर क्षेत्र के लिस्टेड बदमाश कालू ने चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया। दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए एम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गोलू की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बदमाश कालू शराब के नशे में धुत था और इसी नशे की हालत में उसने बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। हाँ, जो द्वारकापुरी में धारा 307 अंतर्गत एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, इसमें जो आरोपी हैं उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाश में आई है और शीघ्र ही हमारी टीम उनकी तलाश कर रही है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर न्यूज, इंदौर।